Hello friends, welcome once again to Kalyan Academy videos. Earlier I have talked about different exam strategies. Now today I will talk about the chapter called Sites and Indices. We all know that from this chapter there are questions come in competitive exams. So let's look about Sites and Indices chapter. देखिए सर्ट्स एंड इंडिसेस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो फॉर्मूला वगैरह है वो आपको बुक्स में मिल जाएगा। हम बुक्स में नहीं जा रहे हैं या डिटेल फार्मूला में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ जो ट्रिक्स होता है और जिस तरह का क्वेश्चन आता है एसएससी या उस रिलेटेड एग्जाम्स में उसके बारे में बताते हैं। तो पहले बताते हैं, देखिए सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या होता है। वो जो रूट वाला सम्स आता है वो होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला सम्स। अब देखते हैं इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। पहला एक क्वेश्चन आता है इस तरह का, ये एसएससी में भी कई बार आया है, इसका वैल्यू निकालने देता है। ये जो सम्स है इस सम्स को आप इजी तरीके से भी कर सकते हो या जो मेथड है हम लोगों को जो स्कूल में सिखाया जाता है उस तरीके भी कर सकते हो, लेकिन स्कूल के सिखाया गया मेथड में अगर करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक्स है वो हम आप लोगों को बताते हैं। पहले देखते हैं कि कैसे हम स्कूल में करते थे। इसको एक्स ले लीजिए, तो इसको अगर एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये वाला रूट हट जाएगा तो इस जगह पे x लिख सकते हैं। सो x इक्वल टू 7 इज द आंसर और जीरो को हम कैंसिल कर देंगे। तो ये आ गया आंसर। ये है जनरल मेथड, लेकिन इसका एक ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स है अगर ऐसा रहेगा और अगर इनफाइनाइट तक रहेगा तो उसका आंसर होगा जो नंबर दिया रहेगा वही। सो इसका आंसर होगा 7। सो अगर यहाँ पे 5 दिया रहता और ऐसा रहता कि 5 5 5 इनफाइनाइट, सो इसका भी वैल्यू होता 5, जो नंबर दिया रहेगा वही। सिंपल सा ट्रिक्स है। आई होप सबको समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन आता है अगर ये इनफाइनाइट तक नहीं रहता, जैसे मान लेते हैं बस इतना तक ही है, इसका वैल्यू निकालना दिया है जैसे 3 है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 7 2 to the power कितना है वो देखिए। यहाँ पे 3 टाइम्स है 7, तो 2 to the power 3 -1 by 2 to the power 3। सो यहाँ पे क्या होगा 7, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8 - 1 मतलब 7 और नीचे हो जाएगा 8। सो इसका आंसर होगा 7 to the power 7 by 8। तो इसका फॉर्मूला है जितना बार रहेगा उतना यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे 3 बार है इसीलिए 3 बार, उससे 1 माइनस करेंगे और नीचे होगा 2 to the power जितना बार रहेगा वही। या एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जितना है उसका 2 to the power कर लीजिए। अगर यहाँ पे 3 है तो 2 to the power 3, अगर 4 है तो 2 to the power 4 और ऊपर 1 कम कर दीजिए। सो 8 - 1, यहाँ पे 16 - 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 15 by 16 इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा 7 by 8। आई होप द ट्रिक्स इज क्लियर। सो जाते हैं अगले ट्रिक्स की तरफ। नेक्स्ट जो ट्रिक्स है उसमें क्या होता है, एक ऐसा सम्स आता है, ये थर्ड ट्रिक्स, सिर्फ बीच में प्लस रहता है और वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। और देते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर जनरल मेथड में करें तो इसको एक्स ले सकते हैं, उसके बाद स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 20 + x, यहाँ पे हो जाएगा x², उसको सॉल्व करने के आंसर आ जाएगा x = 5। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं। ये जो नंबर रहेगा और अगर बीच में प्लस रहेगा और इनफाइनाइट रहेगा तो ये जो नंबर है इस नंबर को दो पोर्शन में तोड़िए और वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। तो 20 को कॉन्सेक्यूटिव नंबर में कैसे कर सकते हैं? एक होगा 4, एक होगा 5। जो बड़ा वाला नंबर होगा वो बड़ा वाला नंबर होगा इसका आंसर। सो इसका आंसर हो जाएगा 5। आई होप द ट्रिक्स इज क्लियर। जो बड़ा वाला नंबर होगा दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर में से, वो हो जाएगा आंसर। नाउ अब अगर दूसरा क्वेश्चन आया है, बीच में साइन है माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए भी सेम आपको दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर में तोड़ना होगा। उसके बाद जो छोटा नंबर रहेगा ये 4 यहाँ के लिए, वो हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 4 इज द आंसर। I'm giving you another example. 12 - 12 - 12 and so on. So इसका आंसर क्या होगा? इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 4 और 3। माइनस है तो छोटा वाला नंबर लेंगे, सो 3 इज द आंसर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन SSC, CGL, SSC, CHSL एग्जाम्स। आई होप the tricks is very clear and it will help you in the examination. For more details, please like our video and subscribe our channel, and next day we will again come with another different topic. Thank you.